हेलो एवरीबॉडी, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कार के बोनेट के नीचे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या यूज़ रहता है। और आज का जो वीडियो है वो सजेस्ट किया है मिस्टर सौरभ कपूर ने। तो सौरभ भाई, थैंक यू वीडियो सजेस्ट करने के लिए। और आप लोगों को भी अगर कोई सजेशन देना हो वीडियो लेकर, आप लोग भी कमेंट में दे सकते हैं, अगर सही लगा तो उस पर भी वीडियो बन जाएगा। देखो, ज़्यादातर लोगों को तो कार की ऊपर जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये विंडशील्ड, हेडलाइट, ये सब चीज़ों का आइडिया रहता है, लेकिन अंडर द हुड जो चीज़ रहते हैं, जो कंपोनेंट्स, जो पार्ट्स रहते हैं, उनके बारे में उतना आइडिया नहीं रहता। बेसिक रहता है जो इंजन विंजन है, लेकिन डिटेल में नहीं रहता। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जानना भी ज़रूरी है कि एग्जैक्टली आपके बोनेट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, ताकि अगर कार में कोई कल को प्रॉब्लम आ जाए छोटी मोटी, तो आप उसको सेल्फ डायग्नोसिस कर सकते हो। फालतू में आपको छोटी मोटी चीज़ों के लिए सर्विस सेंटर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देख लो, कार की बोनेट खोलना भी एक आर्ट है। जो लोग पहली बार बोनेट खोल रहे हैं उनके लिए चैलेंजिंग होता है। सबसे पहले बॉनेट को खोलते हैं। तो अपना जो लीवर है इधर है, कुछ कार्स में इधर होता है, आपको जस्ट इस तरह खींचना है। और अपने को ये देख लो, ये लीवर हो गया बॉनेट का। आप सिंबल देख सकते हैं, इस तरह से खींच दिया। अब लोग क्या करते हैं, जो नए नए बंदे होते हैं, वो अब ऐसे इसको उठा देते हैं। अब देख लो, ऐसे बॉनेट आपकी बिल्कुल नहीं उठेगी, क्योंकि अंदर एक क्लिप है। कैमरे में दिखाने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं कितना आएगा। ये देख लो, ये क्लिप देख रहे हो, इसको पहले आपको हाथ से ऐसे दबाना है। दबाने के बाद दबा के रख के इस तरह से बॉनेट आपको उठाना है। एक सेकंड, खोल के दिखा देता हूँ। ये देख लो, ये जो क्लिप था इसको दबा के ये मैंने बॉनेट खोल दिया। अब अगर मैं बॉनेट को छोड़ दूँ हाथ से, तो ये धड़ाम से नीचे गिरेगा। इसके लिए क्या करना है, ये जो स्टैंड देख रहे हो, इस हुक को अपने को इधर टांगना है। अब देख सकते हो, ये जो हुक इधर था, इसको हमने नीचे करके इधर लगा दिया। जिस तरह से बोनेट पर स्टैंड चढ़ चुका है और अपने को पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले कार की जो हार्ट है, मतलब जो दिल है कार का, वो है कार का इंजन। ये जो आप कंपोनेंट देख रहे हो, ये पूरा चीज़ इधर से लेके यहाँ तक ये हो जाता है कार का इंजन। ये पेट्रोल इंजन है 1.2 लीटर, और इस तरह से कुछ दिखती है। डीजल इंजन का अलग शेप होता है, ऊपर कवरिंग रहती है, साइज़ में भी थोड़ा बड़ा होता है। और अगर टर्बो चार्ज्ड इंजन होता है तो इधर भी एक टर्बो रहता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन की बात करेंगे। देख लो, इस इंजन में आपको चार सिलेंडर मिलते हैं, और जैसे कि मैंने बताया, चार सिलेंडर इधर आप देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, और इधर भी 1, 2, 3, 4। ये चारों सिलेंडर नहीं है, मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए बताया। अब देख लो, ये जो चीज़ है 1, 2, 3, 4, इनको बोलते हैं स्पार्क प्लग। क्योंकि इसमें चार सिलेंडर हैं तो स्पार्क प्लग भी हो गए चार। ये जो चीज़ है इनको बोलते हैं एग्जॉस्ट गैस चेंबर। ये भी सेम फंडा, चार सिलेंडर वाली गाड़ी है इसीलिए इसमें भी चार है। अगर थ्री सिलेंडर कोई कार होती तो उसमें ये तीन होता और स्पार्क प्लग भी तीन होता। तो ऐसा कुछ मेन इंजन कार का दिखता है। इधर आप जो एक पंखा टाइप का देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कार का रेडिएटर। थोड़ा अगर राइट में बढ़े तो ये आप देख रहे हो, ये हो गया आपका कार का बैटरी। ये अलग अलग कंपनी का होता है, जैसे कि ये एक्साइड का है, ये डिपेंड करता है फ्रॉम कार मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर। ये हो गया इसका पॉजिटिव टर्मिनल, और इसका काम होता है पूरे कार के जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उसमें पावर सप्लाई करना। जब भी आप कार स्टार्ट करने जाओगे, अगर कुछ ऐसा हो कि कार स्टार्ट नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बैटरी चेक करना है। बैटरी में आपको जो मल्टीमीटर होता है उससे आपको चेक करना है कि कितना उसमें वोल्टेज दिखा रहा है। अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो आपको बैटरी रिप्लेस करना पड़ेगा। इसका मेन काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना कार में। इधर हम बढ़ेंगे तो ये देख सकते हो, इसको बोलते हैं एयर फिल्टर। इसका काम है जो एयर है वो इनटेक करता है और कार के इंजन में ये भेज देता है। इधर हम देखेंगे तो ये आप ग्रीन ढक्कन देख सकते हो, इसके अंदर रहता है ये जो चेम्बर है, इसके अंदर रहता है कार का कूलेंट, जिसको आप इधर से भी खोल सकते हो। लेकिन इधर एक वार्निंग है, इस तरह से आप देख सकते हो वार्निंग में क्या लिखा है। इसमें लिखा है जब आपकी जो इंजन है, जब ये गर्म रहता है, मतलब मान लो आप कहीं से आ रहे हो कार चला के, तब इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना है। क्योंकि देखो, कार का जो कूलेंट है, अगर आप इसको, जब इंजन गर्म रहता है, अब इसको खोलोगे तो पूरा उछट के आएगा और एकदम गर्म केमिकल होता है अंदर, तो आपका बर्न हो सकता है, बहुत डेंजरस चीज़ हो सकता है। इसलिए इसको उस सिचुएशन में कभी मत खोलना। जब आपकी कार 2-3 घंटा खड़ी रहती है, इंजन पूरा ठंडा रहता है, तभी इसको खोलना। और इसका जो कूलेंट है, एक ग्रीन कलर का फ्लूइड होता है, जो अंदर आप शायद पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, देख सकते हो ग्रीन कलर का, इतना तक है। और इधर
मार्किंग भी रहती है, देख लो इधर आप पता नहीं फोकस कर रहा है कि नहीं, इधर नीचे आप देख सकते हो इधर लिखा है लो, मतलब ये लोअर मार्किंग, और इधर लिखा है फुल, ये जो इधर लिखा है ये लिखा है फुल, मतलब ये मार्किंग दिखाता है, इंडिकेशन कितना आपका कूलेंट आपके इधर रहना चाहिए। इस तरफ बढ़े तो इसके अंदर जाता है आपकी कार में ब्रेक फ्लूइड, इधर भी आप देख सकते हो कुछ लिखा है वार्निंग यूज़ ओनली .3 और .4 ब्रेक फ्लूइड फ्रॉम अ सील्ड कंटेनर। अब ब्रेक फ्लूइड के भी अलग अलग, मतलब ये जो डॉट है इसका मतलब अलग अलग कॉम्पोजिशन होता है, .2 होता है, .3, .4, इसमें सिर्फ अपने को .3 और .4 टाइप ही डालना है वरना दिक्कत हो सकती है। और ब्रेक फ्लूइड के अंदर इधर पता नहीं कितना दिख रहा होगा कैमरे में, लेकिन अंदर आप एक सिलिंड्रिकल चीज़ देख सकते हो उधर गोल टाइप का, वो हो जाता है ब्रेक बूस्टर। उसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत लंबा उसका चीज़ है एक्सप्लेनेशन। इधर की तरफ बढ़े तो इसमें आपका जाता है जब आप कार का वाइपर का वॉशर ऑन करते हो, इधर से आपके विंडशील्ड में जो पानी स्प्रे होता है शैम्पू वगैरह जो भी, उसका एक टॉप अप करने का जगह, इसको आप खोलोगे, इसमें आप वो स्प्रे का जो फ्लूइड है पानी वगैरह इसमें डाल के इसको फुल कर सकते हो, ये आपके विंडशील्ड धोने के लिए है। आपके कार के इंजन में जो इंजन ऑयल जाता है वो इधर से जाता है, इधर आप देख सकते हो लिखा भी है इंजन ऑयल, आपका इधर इंडिकेशन भी है, इसको आप खोल के अपना इंजन ऑयल टॉप अप कर सकते हैं। और घर बैठे अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके कार में कितना इंजन ऑयल है, सफिशेंट है, उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आप देख सकते हो इसको आपको ऊपर की तरफ खींचना है, इसको बोलते हैं डिपस्टिक, ये एक इंडिकेटर है कि आपके कार में कितना इंजन ऑयल है। पहले नज़दीक लाते हैं इसको, एक सेकेंड इसको फोकस मारते हैं इस चीज़ पे, फिर आप देख सकते हो आप दो छोटे छोटे होल्स 1 और 2, ये आपका इंजन ऑयल का रीडिंग दिखाता है, मतलब इसके अगर नीचे चला गया मतलब इंजन ऑयल बहुत कम है, और ये आपका अपर मार्क का रीडिंग है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब कितना इंजन ऑयल है आप देख सकते हो, ये पार्ट थोड़ा शाइन कर रहा है लेकिन ये उतना नहीं कर रहा है, इसका मतलब इधर एक फ्लूइड लगा हुआ है, ये देख लो, मैं इसको अगर ऐसा करूं, ऐसा एक फ्लूइड लगा, यही होता है आपका इंजन ऑयल, आपका यहां तक होना चाहिए जो कि मेरा यहां तक है, मतलब इंजन ऑयल मोर देन सफिशिएंट है। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो कि आपके कार में कितना इंजन ऑयल है और आपको टॉप अप कराने की ज़रूरत है या फिर नहीं। तो यही कुछ बेसिक कंपोनेंट्स थे, और हाँ ये तो बताना ही भूल गया, ये जो चीज़ है ये एक फोम ले लो, कपड़ा ले लो, कुछ भी कह लो, उस मटेरियल का है ये जो पोर्शन है, ये है, इसको बोलते हैं इंसुलेशन। कभी कभी क्या होता है कार के इंजन का जो नॉइज़ होता है, वाइब्रेशन वगैरह होता है, वो आपके कार के अंदर केबिन तक भी पहुंचता है, जो कि काफ़ी इरिटेटिंग लगता है। ताकि ये नॉइज़ अंदर ना पहुंचे इसीलिए इंसुलेशन लगाया जाता है, जो कि साउंड को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और केबिन आपका बिल्कुल साइलेंट बना देता है। तो यही कुछ बेसिक कंपोनेंट्स थे जो आपके कार के हुड के अंदर आपको मिलेगा और आपको जानने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अरे यार, बॉनेट बंद करके दिखाना तो भूल ही गया। सबसे पहले क्या करना है, जो स्टैंड पहले था इसको डंडी यहाँ लगाना है, स्टैंड हटा दिया, अब हाथ से पकड़े हैं। अब देख लो, बॉनेट बंद करने के दो तरीके होते हैं, पहले आप इसको इतना हाइट है, इसी हाइट में अगर आप हाथ हटा दो ये धड़ाम से नीचे गिरेगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन नॉइज़ बहुत ज़ोर से होगा। मतलब अगर आप एकदम शांति से बंद करना चाहते हैं तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो ये टेक्निक मत यूज़ करो, वरना इसको छोड़ के बंद कर सकते हो। और साइलेंटली बंद करने के लिए क्या करना है, एकदम धीरे धीरे इसको लाओ, जितना नीचे गया इसको ले गया, उंगली हटा दिया। अब देख लो, अब कार का बॉनेट पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, क्योंकि इधर पैनल के आप देख सकते हो, समझे। कुछ लोग करते इतना तक छोड़ के चले जाते अंदर, लेकिन ये पूरा आपका बॉनेट बंद नहीं हुआ। बंद करने के लिए इस तरह से बॉनेट को दबा दो, अब देख लो पैनल के आप चला गया, अब बॉनेट फुल्ली क्लोज्ड। और अगर आपको वीडियो पसंद आया देन लाइक का बटन ज़रूर दबाना, सपोर्ट करना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। ये सब्सक्राइब का बटन आपको जो रेड कलर में ऐसा मिल रहा है, इसको दबा के आपको इस कलर में लाना है, ठीक है। थैंक यू।